हेलो दोस्तों, कैसे जैसे बढ़े हुए तो मैं चुका नहीं वीडियो लेके। और गाइस आज मैं जोरजो पोल जाने वाला हूँ और ये वाला गेम प्ले गाइस बहुत ज्यादा ओपी है। 30 किल्स है, 1v4 का है, तो मजा तो देखो तुम्हें आएगा। और गाइस मैं इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ इस वाले वेदर की। फोग वाला जो है जब बिल्कुल पीक पे होगा ना फोग, मतलब जब बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाता है जब, तो देखो कुछ काम नहीं कर सकती है ट्रिक। लेकिन जब थोड़ा कम फोग होता है ना, जब आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी, आपको क्या करना है ब्राइटनेस बस लो कर देंगे और आपको यार पहले से ज्यादा बेटर व्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं उतर चुका था और भाई थॉमसन मिल जाती है मेरे को उतरते के साथ ही। तो एक बंदा भी दिख जाता है सामने, इसको नॉक कर देता हूँ भाई जल्दी से। गाइस अगर आपका फोन भी होता है लैग, तो मेरे पास आपके लिए एक ऐप है जिसका नाम है नोक सिक्योरिटी। इसमें आपको बहुत तरह तरह के फीचर्स मिल जाएंगे जिससे आप अपने फोन को बूस्ट अप कर सकते हो। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद आपको सिंपली एक स्कैन का बटन दिखेगा। आप जैसे उस पर दबाओगे, आपके फोन के जितने भी वायरस एप्लीकेशन है उन सबका पता लगा के आपको दिखा देगा कि भाई ये एप्लीकेशन है जो आपके फोन में वायरस फैला रही है। तो आप सिंपली उन्हें वहां से अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको गेम बूस्टर भी देखने को मिलता है जिससे आप अपने पबजी या किसी और गेम को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसमें आपको बैटरी सेवर का भी ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अपने फोन की बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हो। तो इसमें एक लकी ड्रॉ चल रहा है, अगर आप लकी हुए तो आप रेडमी 7 जीत सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार देने और कमेंट में लिख देना #lovesecurity। और अगर आप लकी हो तो आप जरूर से कुछ ना कुछ जीत जाओगे। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस अपने फोन को फास्ट बना सकते हो। तो इन बंदों पर गन्स नहीं है लेकिन ये रिवाइव हो चुके थे, हमें लूटने में लग रहा था, तो इसको जल्दी से नॉक करता हूं। फिर दूसरे वाले बंदे पर तो वैसे ही हेल्थ नहीं होगी क्योंकि लूटा तो इन्होंने ही नहीं कुछ, पहले मैंने नॉक कर दिया था। तो ये रिवाइव हो चुका था ये पहले जो नॉक कर रहा था मैंने बंदा, तो जल्दी से भाई पकड़ते हैं उसे। तो इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ भाई, वैसे भी इसकी कम हेल्थ थी बहुत ज़्यादा। फिर इन दोनों को किल भी करते हैं भाई जल्दी से। तो वैसे हम मजे में जा रहे थे, मतलब लूटा पार्टी करने सामने की तरफ, लेकिन ये निहत्ता बंदा यहाँ पे भाग रहा था। पता नहीं इसे गन क्यों नहीं मिली यार इतनी देर से, बेचारे का पैन था बस, वो भी अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे पता नहीं यार गन क्यों नहीं मिली इस बेचारे को, या तो कहीं से भाग का है, कहीं गन फाइट वगैरह हो गई, इसकी स्कोर कहीं पे कुर्बान हो गई और अकेला बच के आया वहां से, लेकिन बेचारा यहाँ पे फंस गया। तो मैं सोचता हूँ यार वेयर हाउस में कोई बंदा होगा लेकिन वहाँ कोई होता नहीं। लेकिन जैसे ही मुड़ते हैं भाई एक बंदा दिखता है जो कि AFK खड़ा हो गया शायद से, लेकिन जैसे मैं नॉक करता हूँ भाई एकदम से जाना जाती है। पता नहीं ये क्या चीज है, ये कई बार हो चुका है कि कोई बंदा AFK है उसमें गोलियां बरसा हो, जैसे ही नॉक होगा फिर से जाना जाएगी उसमें। तो मेरे को कमेंट में बताना भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो तो। तो ये बंदा भी यहाँ से भगा भगा आता भाई, थॉमसन से करते हैं इसे भी खत्म। तो ऐसे ही भटक रहा था मैं ऊपर मजे में कि भाई गन वन मिले, और यहाँ पे मेरे को 2 बंदे दिख चुके थे। तो एक बंदा तो यहाँ पे आके TPP लेने लगा, उसे निपटा देंगे जल्दी से। और फिर दूसरा बंदा जो था वो रिवाइव करने आया होगा अपने बंदे को जिसको मैंने नॉक करा था, जिसको मैं AFK बता रहा था, तो उसको भी निपटाएंगे भाई जल्दी से। फुटस्टेप्स लेते हैं पहले थोड़े से जो कि आ चुके हैं मेरे को, अब तो निपटाते हैं भाई जल्दी से। तो भाई मैं लूट ही रहा था लेकिन पीछे से फुटस्टेप्स आते हैं बहुत तगड़े, तो भाई कर देते हैं इसे भी खत्म। मैं यहाँ ऐसे भटक रहा था भैया दोबारा कि गन वन मिले, कुछ बढ़िया चीज़ सी मिल जाए। तो भाई ऊपर देखते हैं, इतना क्रेन पे एक टपली सी दिखती है प्यारी सी, उसमें मैं एक हिट दे देता हूँ फिर नीचे जाता हूँ। मेरे को नहीं पता, क्या पता मेरे PM लेकर बैठा हो DPVP लेकर भाई पूरा स्प्रे टाप दे। तो हमें उसे सिंगल टैप करके मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन कार 98 से छोड़ दे देता है। फिर एक और गोली मारता हूँ क्योंकि पहले से मैं बहुत ज़्यादा डैमेज दे चुका था, और भाई निपट जाएगा बंदा। तो इसका दूसरा बंदा भी भाई यहाँ पे आके लेट जाता है। तो गाइस वही कहूँगा यार, जब तुम्हारा बंदा कहीं पे मर गया तुम वहाँ पे क्यों आ रहे हो, मतलब। और क्रेन के ऊपर तो भाई मैं हमेशा मना करता हूँ, क्रेन के ऊपर कभी मत चढ़ो अगर आपको लग रहा है मतलब आसपास बंदे हो सकते हैं। अगर आपने जोर जो पूरा खाली कर दिया ना तो है कि भाई चलो क्रेन के ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन वो भी पक्की बात नहीं है क्योंकि जोर जो कहीं पर खाली होने के बाद भी भरा रहता है, कैंपर बैठे रहते हैं। तो मैंने लूटना आता हूँ लेकिन एक और बंदा दिखता है भाई, निपटाते हैं इसे भी। तो भाई ये स्लाइडिंग ग्लिच किसके साथ होता है भाई जल्दी कमेंट करके बताओ। ये ऋतिक रोशन सा बना दिया मेरा प्लेयर, इन्होंने स्लाइड मार रहा है बिल्कुल मजे में। और यहाँ पे सामने एक बोट भग रहा था भाई, निपटाते हैं इसे जल्दी से। तो भाई इस ग्लिच को सही करने के लिए लेटना पड़ता है हमें और फिर उठना पड़ता है, तो अपने आप ग्लिच सही हो जाता है। लेकिन इस ग्लिच से कोई दिक्कत भी नहीं है, तुम बताओ नीचे कमेंट करके इस ग्लिच से मतलब क्या क्या हो जाता है और क्या नहीं होता। तो यहाँ पे भैया हम एयरड्रॉप लूट रहे थे लेकिन तुम्हें पता है लालच बहुत बुरी बला है, तो पढ़ने लगी। अब बचा हुआ मैं देख रहा हूँ बंदे हैं तो है का, मेरे को दिख नहीं रहा, ये झाड़ियाँ सी अड़ गई। लेकिन जैसे भैया ऊपर से देखता हूँ एकदम दिख जाते हैं, फिर इधर से देखता हूँ नहीं दिखते, टप टप करे जा रहे हैं। तो भैया यहाँ से मैं पहले तो अपनी बग्गी लेता हूँ, निकल लेता हूँ क्योंकि आसपास कोई कवर नहीं था। अगर बग्गी के टायर फोड़ देते ना तो मैं यहाँ पे फंस जाता, और अगर ओपन ग्राउंड में भगता फिर तुम्हें बताइए क्या होता है भैया। तो मैं ट्रक में आ चुका हूँ और भाई देखता हूँ उन बंदों को।
तो अंधाधुन भैया मैं ऐसे ही टप टप करने लगा और 10-15 गोली में से एक दो गोली लग भी गई उन्हें, लेकिन मेरे को भी लग गई थोड़ी सी, थोड़ी हेल्थ कर लेते हैं। और भाई फिर मैं अंधाधुन ऐसे स्प्रे दे देता हूँ पूरा का पूरा, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस गाड़ी की उनकी हेल्थ कम हो गई, बंदे को लगती नहीं एक भी गोली, लेकिन उनकी मेरे को लग रही है। अब मेरे को नहीं पता भैया कौन सा मतलब एटैक्स वेटैक्स लेके बैठे हैं 15x, तो गाइस लॉन्ग और मिड रेंज पे मेरे को इतना भरोसा नहीं है, तो भाई रश कर देंगे भाई इन पर जल्दी से। तो भाई मैं रश तो करता हूँ ये सोच कि मेरे फेवर में आएगी फाइट, लेकिन उल्टा ही हो जाता है। यहाँ पे भैया पड़ने लगते हैं मेरे को दोनों तीनों तरफ से, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। गाड़ी भी फोड़ चुका है ठीक है, वो अच्छा है मेरी प्यारी से बग्गी बच रही है, नहीं तो भाई कसम से मैं यहाँ पे इन सबको मार देता अभी एक सेकंड के अंदर। मेरी बग्गी को कुछ मत करना भाई, अब मैं मजे में यार सोच रहा था फर्स्ट एड लगा लूं, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि बहुत हरामी बंदे हैं, कोई सा भी उठ गया ना मस्त मेरे को देखेगा और भाई मैं गया एनिमी साइड लगा देगा। तो यहाँ पे वो नेड़ भी फेंक चुका था और गाइस देखो कितनी कम एचपी है। तो ये बंदे भैया सांप बने पड़े हैं, बहुत तगड़े वाले सांप है, थोड़ी हेल्थ कर ले तो फिर निपटाते हैं भाई इन्हें। तो भैया सपेरा मेरे को दिख चुका था, एक मूवमेंट सी कर रहा था हल्की सी, और फिर जैसे ही जैसे मारता हूँ भाई यूएमपी वाला भी एकदम उसमें आ जाता है गुस्से में कि भाई कैसे निपटा रहा है मेरे दोस्त को, और भाई अपनी पोजीशन लीक कर देता है, तो भाई से भी निपटाते हैं। और जो लास्ट बंदा भाई उसके फुटस्टेप्स आएंगे हल्के से, और भैया देखो कहाँ पे कैंप कर रहा होगा, मतलब फोर्टनाइट बना दिया भैया पबजी का, फोर्टनाइट पकड़ते हैं जैसे बुश में कैंप, ये भैया पबजी में भी करने लगे ऐसे। तो अब मैं एक और स्मोक कर दूंगा क्योंकि कोई और भी मतलब फायरिंग कर रहा था इन पे, और मतलब अभी आवाज़ भी आई डीपी की, तो भाई यहाँ पे मैं पहले स्मोक करके निकलने की सोचता हूँ, लेकिन ये बंदे मेरे पे रश कर चुके, तो भाई निपटाते हैं फिर इन्हें जल्दी से। तो इनका लास्ट बंदा थोड़ा दूर सांप बना हुआ था, भाई रैंक रैंक आने की कोशिश कर रहा था, तो भाई निपटाते हैं उसे भी। तो ये बंदा भी दिख जाता है भाई, निपटाते हैं इसे भी। तो एक और एयरड्रॉप आ चुकी थी, मैं चेक करने आ चुका था क्योंकि ओ वगैरह मेरे चलाने का मन नहीं था, लेकिन भाई M249 कौन छोड़ सकता है, मतलब यार ओपी गन है यार सोलो वर्सेस स्क्वाड्स के लिए। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ थोड़ा डीपी वगैरह मतलब एडजस्ट करने 6x वगैरह, और फिर चलेंगे भाई रश करने पोचिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था पोचिंग में रश करने, लेकिन UMP की आवाज़ आ जाती है, तो उसकी तरफ भैया चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखना गाइस बग्गी का स्टंट बहुत जानलेवा था, मैं सोच रहा था बालकनी में कूदा हूँ, लेकिन कुछ और ही होता फेल हो जाता है यहाँ पे, मेरी हेल्थ चली जाती है। तो मैं फर्स्ट एड लगाने की सोचता हूँ, लेकिन एक बंदा दिख जाता है भैया जो यहाँ मस्त बैठा था कि भाई जैसे मैं निकलूँ मेरे को मारेगा, तो भाई निपटाते हैं इसे और फिर फर्स्ट एड वगैरह लगा के करेंगे रश। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ बंदा है तो नहीं, यहाँ पे दिखता नहीं, लेकिन भैया एकदम से स्प्रे आता है पीछे से, मेरे को नहीं पता है कहाँ तो छुप रहा था कहाँ नहीं, मेरे को दिखाई नहीं बंदा सच में। और यहाँ पे यार अच्छा हूँ मैं जल्दी से बालकनी में घुस गया, नहीं तो खत्म कर देता हूँ मेरे को। और फिर ऊपर बंदा बैठ के मस्त टीवी प्लेयर था कि जैसे ही मैं निकलूंगा एकदम मारेगा, लेकिन भाई कर देते हैं सभी खत्म। तो भाई कैसा लगा कैंपर स्क्वाड को निपटाने के निंजा टेक्निक, तो भाई नीचे कमेंट में जरूर बताओ। तो इनका लास्ट बंदा बग्गी से आता है, पता नहीं कहाँ से भैया मतलब मेरा मार से आया होगा इन्हें बचाने, तो भाई खत्म करते हैं इसे भी जल्दी से। तो भाई जो फोग है ना वो अपने पीक पे है इस टाइम, और कुछ नहीं दिख रहा लिटरली, बहुत कम ब्राइटनेस है फिर भी, और पीछे मतलब गोलियां भी चल रही थी लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा। तो भैया मैं आराम से लेट जाता हूँ कि भैया वेस्ट करते हैं जब तक फोग वगैरह हटेगा, जबकि जब देखी जाएगी ठीक है। तो इतने मेरे को सामने बग्गी दिखती है और मैं देख ही रहा था कि बंदा है या नहीं, और फिर मूवमेंट भी होते तो भाई निपटाते हैं उस बंदे को जल्दी से। और बेचारा मुझे लग रहा किसी फाइट में एंगेज था और शायद मार ही चुका था दूसरे बंदे को, लेकिन मैं इधर से एक टप करता हूँ बेचारा मर जाता है उधर ही। तो मैं दूसरी तरफ चला जाऊँगा क्योंकि यार जोन थोड़ा उधर के फेवर में है, और पीछे की तरफ यार फायरिंग भी चल रही थी पहले, तो मैं आ जाता हूँ इधर के बंदे बंदे थोड़े मारने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही देख रहा चारों तरफ, और पीछे भैया वेयर हाउस में देखते हैं तो एकदम से दिख जाता है बंदा। तो यहाँ पे नेड कुक करके फेंकूंगा पूरा का पूरा और भाई नोक कर दूंगा उसे, और फिर खत्म कर देंगे भाई M249 के स्प्रे के साथ। तो मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा गाइस, ये भी निंजा टेक्निक बहुत तगड़ी है, मैं तुम्हें कई बार बता चुका सांपों को मारने की निंजा टेक्निक है। हाई ग्राउंड पर चले जाओ, जो सबसे बेस्ट हाई ग्राउंड अवेलेबल हो ना वहाँ पे जाकर बैठ जाओ, मस्त सारे के सारे दिखेंगे मस्त रैंकते हुए ठीक है। अब देखो कैसे निपटाता हूँ मैंने बारी बारी से।
तो इस बंदे को मैं हिट देता हूँ और ये वहाँ पे मतलब पत्थर के पीछे चला गया। और यहाँ पे किसी ने नेड भी फेंका, पता नहीं इसने ही फेंका था साइड में होके पत्थर के पीछे से निकल के, और बेचारा उसके चक्कर में अपनी लोकेशन रिवील करवा दी। यहाँ पे जोन आ चुके और बंदे के पास कोई चॉइस ही नहीं हो गया, तो वहाँ पे मरेगा या फिर भागता हुआ आएगा, तो भाई निपटाते हैं उसे भी। तो यहाँ मैं डीपी रिलोड ही कर रहा था, लेकिन भैया उधर देखते हैं तो एक सांप आ रहा है मस्त रेंगता हुआ, तो इसको भी निपटाते हैं जल्दी से। तो गाइस जब लास्ट जोन बन चुकी है, मेरे को लिटरली बंदा नहीं दिखा, बहुत चारों तरफ मैंने घुमा लिया अपने आप को, चारों तरफ देख लिया और जोन आ चुके, तो यार अब जाना भी पड़ेगा, यहाँ पे रुकने का कुछ फायदा नहीं। तो भाई स्मोक का सारा लेता हूँ मैं गाइस, इसलिए मैं ऑटो पिकअप पे 3 स्मोक हमेशा रखता हूँ, क्योंकि लास्ट जोन में यार कई बार हो जाता है कि अगर स्मोक ना हो ना तो बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन स्मोक कई बार जान बचा लेता है। ठीक है, तो उस बंदे ने भी स्मोक कर दिया, लेकिन गाइस आजकल किसी पे भरोसा मत करो, मैं अपनी वीडियो में खुद बता चुका हूँ ये वाली ट्रिक के बेट करने वाली। तो इधर मैंने फ्री फायर नहीं दी, क्योंकि मैं उधर फ्री फायर देता वो उसको मेरी लोकेशन पता चल जाती, तो मैं इधर आता हूँ अपना आराम से जोन में, और यहाँ मेरे को बंदा दिख भी जाता तो भाई प्रोन करके शूट करूंगा, क्योंकि क्या पता यार खड़ा होकर शूट करते तो कुछ नहीं पता, सांप डस लेते हैं, मैं कई बार मर चुका इस चक्कर में। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो जो नए बंदे हो, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।